है सिद्धार्थ शुक्ला का जन्मदिन, और सिद्धार्थ शुक्ला के जन्मदिन के दिन सिद्धार्थ शुक्ला कहाँ है इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो सीक्रेट रूम में है, घर में है, हॉस्पिटल में है, लेकिन उनके फैंस वहीं पर है, उनके के पीछे खड़े हुए लोग जो उनका खेल देखकर उन्हें पसंद करते हैं वो लोग वहीं पर हैं, और वो लोग अब भी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बोले सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेल रहे हो और आगे तक जाओगे। और सबसे प्रखर किसी की आवाज है ट्विटर पर तो वो है बिंदु सिंह जी, और मैंने कहा कि आज अगर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो बिंदु जी से बेटर कोई हो ही नहीं सकता है। बिंदु जी क्या कहेंगे आज आप? भाई मैं विश करता हूँ कि उनकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती, वो कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो लोग सब बेचारे कुछ बोलना नहीं चाहते, बैड लक नहीं करना चाहते, पर मुझे पता है कि वो ऐसा आदमी है कि जिसको हमने सपोर्ट किया है और उसने हमें बिल्कुल लेट डाउन एक भी बार नहीं किया। जितने भी आदमी आज तक हमने सपोर्ट किया बिग बॉस में, कभी वो गड़बड़ करते हैं, कभी गलतियाँ करते हैं, फिर हमें उनकी गलतियाँ छुपानी पड़ती हैं, लेकिन ये आदमी इसने कोई गलती नहीं की, इज फ्लॉलेस। बिंदु अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ शुक्ला के गेम की, तो अब उनका गेम आपको लगता है सीक्रेट रूम से आने के बाद एकदम और जबरदस्त हो जाएगा? आपको देखना पड़ेगा, सीक्रेट रूम में भी जितना भी जो लफड़े किए, जो गंद फैलाया है, वो पारस ने फैलाया, सिद्धार्थ से बोला ठीक है तू बोल दे। क्योंकि उसके दिल से ऐसी बातें निकलती नहीं, वो एकदम परफेक्ट आदमी है, उसको लगता नहीं कि कुछ मैं कुछ रॉन्ग करूं, लेकिन पारस जो है वो तो गेम खेल ही रहा है और बहुत मज़ेदार खेल रहा है, तो पारस ने बहुत गंद फैलाया और मज़ा आया। आज की रात मुझे लगता है बहुत ही फैंटास्टिक होगी, हैप्पी बर्थडे वाकई देगा, क्या क्या करवा रहे हैं सबके साथ। आई थिंक यू सी मुझे लगता है बहुत जल्द वो आएंगे, डॉक्टर मैं सुना कि 20 दिन का बोल रहे थे उनको कुछ रेस्ट करना चाहिए, पर वो बहुत स्ट्रांग आदमी है, तो टाइफाइड से वो जो आम आदमी 20 दिन में लड़ता है ये 5 दिन में लड़ लेंगे, तो मुझे लगता है बस 2-4 दिन में आ जाएंगे। बिंदु जी आपको भी ट्विटर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं वो? नहीं, मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं है, मैं उन्हें सिर्फ एक आध बार मिला हूँ, 2 बार मिला हूँ, और मैं कोई ज़्यादा टीवी भी नहीं देखता तो मुझे पता भी नहीं, मैंने जो पिक्चरें देखी हम्प्टी शर्मा या ऐसी उनमें तो दिखे हैं, मैं मतलब एज अ फैन तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब मैं बिग बॉस देखता हूँ तो मैं बिग बॉस बड़े दिल से देखता हूँ, और उसमें फिर मैं चुनता हूँ कि सबसे अच्छा मुझे कौन लगता है, और एक दो लोग जो मुझे पसंद आते हैं उनको मैं फॉलो करके उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो इस बार मैंने सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, ये मुझे पसंद आए हैं और इनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। सिद्धार्थ को मुझे लगता है कि उसको हराना बहुत मुश्किल है, कोई भी बिग बॉस में होता तो आई डोंट थिंक सो सिद्धार्थ को हरा पाता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, और मैंने उनके दोस्तों से पूछने की कोशिश की है बाहर के चक्कर क्या है, भाई सिर्फ मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ या कामया पंजाबी सपोर्ट कर रही है, बाकी सारे सेलिब्रिटी उसके दोस्त हैं, आई थिंक माही आई है, माही विच हाँ वो लोग आए हैं दोनों, हाँ मियाँ बीवी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स गुड, लेकिन बाकी मैंने पूछा क्यों नहीं आ रहे, तो बोल रहे हमारा उनके साथ ना रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, जैसे वो बाहर है ना वैसे बिग बॉस में, तो मैं कहा वही तो हमें चाहिए, जैसे बाहर है वैसे बिग बॉस में रहे, एक्टिंग ना करें। तो आई एम श्योर कि बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला विल बी अ मच लव्ड मैन, हिज लाइफ विल चेंज एंड वर्क विल फ्लो लाइक क्रेजी एंड ऑल हिज को-स्टार्स आल्सो विल बी हैप्पी बिकॉज उसने इस बार वहां रह के देख लिया है कि दूसरे के साथ थोड़ा भी रॉन्ग करो तो क्या होता है, एंड ही विल कम आउट अ मच बेटर ह्यूमन। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मैंने उनकी सिस्टर से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि घर के अंदर जाके उसको जिंदगी के दूसरे पहलू पता चलेंगे। एब्सोल्युटली, माँ बहन ने दोनों ने उसको बहुत स्पॉइल करके रखा है, बिगड़ा हुआ बच्चा लगता है, लेकिन अब ये बाहर आएगा तो बहुत बढ़िया बच्चा है। माँ बहन ने दोनों जन ने मिलकर कहा था कि घर में जाके किसी भी लड़की की शादी कर ले, वी आर ओके विद इट। तो आपको क्या लगता है शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी कैसी लगती है ऑन स्क्रीन? सिद्धार्थ शुक्ला आई डोंट थिंक सो शादी वादी करेंगे, शादी तो खैर वो शादी उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बाहर निकल के डिसाइड करेंगे, लेकिन आई थिंक वो एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बाहर आ रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ शुक्ला जो हम ट्रेंड कर रहे हैं और ऑलरेडी 3 लाख पहुंचने वाला है, आई थिंक वो वाकई उनका बेस्ट बर्थडे ये चल रहा है, हिज 39th बर्थडे और 40th कौन सा आज होगा पता नहीं, बट दैट इज हिज बेस्ट बर्थडे बिकॉज वी आर ऑल लविंग हिम। उसको वहाँ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है बार बार, बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है, और वो जो लेटा होता है बेड पे तो हमें बड़ा दुख होता है कि ये कहाँ से, नहीं मैंने बिग बॉस वालों से भी पूछने की कोशिश की, भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पानी से कोई बीमार पड़ गया, लेकिन वहाँ मच्छर भी है, फिल्म सिटी में इस बार हो रहा है ना, तो वो थोड़ा आई थिंक कुछ ना कुछ बैड लग, मतलब वो रोक नहीं पा रहे, मतलब पूरा हम तो खंडाला में होते थे, ठंड पड़ रही होती थी, ब्यूटीफुल था, यहाँ फिल्म सिटी में गर्मी में ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिल्म सिटी में शूटिंग का भी एडवांटेज बहुत है, बाकी लोगों के लिए एडवांटेज बहुत है बिल्कुल। अगर सिद्धार्थ शुक्ला को एक जो पॉइंट के लिए लोग रन डाउन करते हैं वो उनके एग्रेशन के लिए, कि एग्रेशन है और जो ऑन द फेस बोल देते हैं तो लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आपको समझना पड़ेगा, जब आपके बहुत ज़्यादा तंग करता है कोई और आके आपको चढ़ चढ़ के बोलता है तो आप कुछ नहीं करते, बिग बॉस में सिद्धार्थ अपनी एग्रेशन को रोकता है, लेकिन जैसे ही आसिम उसको टच करता है
उसके बाद वो सारी अग्रेशन जो सिद्धार्थ के अंदर भरी होती है उसको वो धक्का मार के निकाल देता है बाहर। अब तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी हाथी के जैसा है इन सब के सामने वो चल रहा है, तो ये लोग को पंगे लेने नहीं चाहिए। और वो जो पंगे लेते हैं, जैसे ही उसको टच करता है तो आपने गलती कर दी, उसके बाद वो उसको फुल अलाउड है कि वो जोर से आपको एक धक्का मार दे, थप्पड़ और बॉक्स नहीं मार सकता। तो सिद्धार्थ भी इंसान है, पर सलमान ने जो लास्ट टाइम इसको समझाया आई थिंक उसके बाद वो लेट गया, तो अब ये किसी को टच नहीं करेगा। आपको लगता है कि उस पर असर पड़ेगा? हाँ, मुझे भी बिग बॉस वाले बोल रहे थे अंदर जाना है तो बताओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे मैं अनफेयर हूँ। मैं अगर अंदर जाऊँगा तो मैं सबसे नॉर्मल बात करूंगा, पर सिद्धार्थ को ये जरूर बोलूंगा बेटा हाथ लगाया तो तेरे को फिर बाहर मिलते हैं, हम लोग सारे मारेंगे जितने 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 ट्विटर पे। तो ये कहीं ना कहीं जो ये बात आती है कि आसिम का क्या ये गेम प्लान है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को इतना इंस्टिगेट करे कि वो बस्ट आउट हो और उसका गेम कमजोर हुआ? बिल्कुल, आसिम को लग रहा है, देखो आसिम भी जीतने आया है, सब लोग जीत रहे हैं।